Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10 and today we are going to discuss the mechanism of evolution or natural selection. So let's move to the board. So a mechanism of evolution. लेक्शन सोचिए स्टूडेंट्स इसमें हम मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इससे पहले हम एवोल्यूशन के बारे से उसकी हिस्ट्री को जान चुके हैं और एवोल्यूशन uh, होती क्या है और वो किस तरह से होती है डेफिनेटली वेरिएशन की वजह से होती है सो ऑलमोस्ट ऑल पॉपुलेशंस हैव वेरिएशंस फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स

Morphological and physiological variations in a population. सो जी स्टूडेंट्स ये मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल क्या टाइम है आप होपफुली आप uh, इससे हाउ नो है इसकी क्योंकि ये प्रीवियस गेट में आप पढ़ चुके हैं इन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी इसमें मॉर्फोलॉजी पढ़ा था और फिजियोलॉजी पढ़ा था मॉर्फोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स जो अपेरेंट स्ट्रक्चर्स हैं नज़र आने वाले उनकी बात हो रही है और दूसरा फिजियोलॉजिकल यानी कि फंक्शंस के अतबार से तो दोनों तरह की जो वेरिएशंस हैं ये पॉपोलेशंस के अंदर मौजूद होती हैं ऑलमोस्ट इन एवरी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट ठीक है नॉट इन हंड्रेड परसेंट बट ऑलमोस्ट इन ऑल पॉपुलेशन उनके अंदर ये वेरिएशन दोनों तरह की मौजूद यानी कि अपेरेंस में भी वो ए, ए, चेंज हो रही होती हैं या फिर वो फंक्शन के अतबार से भी उनके अंदर कुछ चेंजेस यानी कि वेरिएशन आ रही होती हैं जी स्टूडेंट्स जो कॉन्सेप्ट है एवोल्यूशन का एवोल्यूशन so basically it is it is the idea which supports natural selection which supports नेचुरल सिलेक्शन और यहाँ पर बार बार वर्ड आ रहा है नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन का यहाँ पर आ, मतलब यह रही है स्टूडेंट्स कि नेचर सेलेक्ट करती है ऑर्गेनिजम्स को या स्पीशीज़ के मेंबर्स को कि कौन सा फ़िट है इस माहौल में रहने के लिए इस एनवायरमेंट के अंदर रहने के लिए और कौन सा फ़िट नहीं है तो ये किसके बिहाफ के ऊपर हाँ होगा जो नेचुरल सिलेक्शन है इट इज़ बेस्ड अपॉन द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन अब इसका क्या मतलब है डे स्टूडेंट्स के जेनेटिक मेकअप के ऊपर क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन टोटल बेस ही कर रही है जेनेटिक मेकअप के ऊपर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जेनेटिक मेकअप इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इस इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर सकेगा तो वही इंडिविजुअल्स सर्वाइव भी करेंगे वही जिंदा रहा भी रहेंगे उन्हीं की नस्लें आगे कंटिन्यू होंगी तो जिनके जो जेनेटिक मेकअप इस तरह से हैं कि वो इस इसवायरमेंट के साथ कोप करने के लिए मुनासिब नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो नस्लें हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और वो आहिस्ता आहिस्ता एंडेंजर्ड और फिर उसके बाद एक्सटिंट होना शुरू हो जाएंगे तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट लेकिन जो सेंट्रल आइडिया है इसका नेचुरल uh, सिलेक्शन का दैट इज बेस्ड अपॉन द फिटनेस और द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड अपॉन द फिटनेस और यहां पर जो फिटनेस की बात हो रही है दैट इज एवोल्यूशनरी दैट इज एवोल्यूशनरी फिटनेस सो डे फ्रेंड्स ये एवोल्यूशनरी फिटनेस क्या है फिटनेस का पहले लिटरल मीनिंग लेते हैं इसको समझ लेते हैं कि यहां पर फिटनेस का क्या एवोल्यूशनरी फिटनेस का क्या मतलब है सो so हेर फिटनेस मीन्स द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस ये दो क्राइटेरिया स्टूडेंट्स फिटनेस का यहां पर मतलब है एक तो सर्वाइवल और दूसरा रिप्रोडक्शन तो फिट वही रहेगा यानी कि जो फिट है अपने जेनेटिक मेकअप के अतबार से उसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं इस एन्वायरमेंट के साथ कोप करने के लिए उसे ही फिटनेस कहेंगे यानी कि एवोल्यूशनरी वही फिट ऑर्गेनिज्म कहलाएगा जिसके अंदर जिसके जीन्स के अंदर ऐसे स्पोर्ट्स मौजूद हैं जो ऐसे स्ट्रक्चर बनवा लेंगे कि वो इस एनवायरमेंट के साथ डील करने में आसानी से रहेंगे जैसे इलर सपोज के मैं एक छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ लाइक द पोलर बियर्स आपने पोलर बियर्स का नाम सुना होगा जो कि पोल्स पर रहते हैं और नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो पोल्स के ऊपर वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम देर आर द आइस कैप्स मतलब वहाँ पर बर्फ़ होती है बर्फ़ की लेयर्स होती हैं बहुत ठंडा टेम्परेचर है बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर वहाँ पर मोस्ट ऑफ़ द टाइम अराउंड द ईयर वहाँ पर रहता है तो वहाँ पर जो पोलर बियर है वहाँ पर रह रहा है इतने ठंडे मौसम में भी सर्वाइव कर जाता है उसकी रीज़न क्या है डियर स्टूडेंट्स द रीज़न इज़ कि उसके जीन्स में वो जीन मौजूद है जो कि कंस्ट्रक्ट करवाता है थिक लेयर ऑफ़ फैट अ थिक लेयर ऑफ फैट जब वो जीन्स जैसे ही पैदा होता है वो जीन्स उनके अंदर मौजूद हैं वहाँ पर रहने के बाद उन्होंने ये चीज़ अडेप्ट है तो वो जीन्स क्या करते हैं उनमें वो थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन बनवा देते हैं इससे क्या होता है कि चूंकि जो फैट्स होते हैं दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड एलेक्ट्रिसिटी मीन्स के दे एक्ट एज इंसुलेटर्स तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि उनकी बॉडी की जो हीट है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगी एंड दे रिमेन हेल्थी एंड दे रिमेन एक्टिव सो दैट इज़ कॉल्ड एस फिटनेस अगर यहाँ का जो जो हमारे मैदानी इलाकों का जो बियर है जिसको आमतौर तो पर ब्लैक बियर कहते हैं या ब्राउन बियर भी कहते हैं वो ब्लैक बियर अगर आप उठा के उधर पोल्स पे ले जाएं, तो इसके जीन्स में वो जीन्स नहीं होंगे इसके पास वो जीन्स नहीं है जो कि उस थिक फैट लेयर को कंस्ट्रक्ट करवा सकें तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा वो जाकर एक या दो दिन के अंदर ही ठंड से मर जाएगा या फिर अगर आप पोलर बियर्स जो है वो उसको यहाँ पर मैदानी इलाकों में ले जाएँ यहाँ से वो गर्मी से मर जाएगा क्योंकि इतनी मोटी उसके पास वो चर्बी की लेयर है एक फैट लेयर है उसकी स्किन के नीचे सो दैट मीन्स के वो जेनेटिक्स मेकअप का होना एनवायरमेंट के अंदर उसको कोप करने के लिए एनवायरमेंटल स्ट्रेस को एनवायरमेंटल चेंजेस को इन वेरिएशंस को, को जो है वो उनसे निमटने के लिए जिस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप फिट है सिर्फ वही रहेगा उसी की नस्लें आगे चलेंगी और वही स्पीशी आगे कॉन्टिन्यू होगी ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है मीन्स दैट इज अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच इज बेस्ड अपॉन द एवोल्यूशनरी फिटनेस एवोल्यूशनरी फिटनेस मतलब कि एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव यानी कि वो स्ट्रगल करता रहे और रिप्रोड्यूस करता रहे डी स्टूडेंट्स जित जो जहाँ तक सर्वाइवल की बात है तो सर्वाइवल के अतबार से देखा जाए जो ऑर्गेनिज्म है उसकी तादाद और उससे जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनकी तादाद कहीं ज़्यादा होती है मतलब एक ऑर्गेनिज्म से उससे जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है तो जितने ज़्यादा उनके ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उतने ही ज़्यादा उनके अंदर वेरिएशन आएंगी और जितनी ज़्यादा वेरिएशन आएंगी तो हर एक के पास मुख्त मुख्तलि रिकॉम्बेशन के हमने बात की थी कि म्यूसिस हुई थी म्यूसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर हुआ था तो उस क्रॉसिंग ओवर के दौरान मुख्तु तरह की वेरिएशन प्रोड्यूस हुई थी अब किसी के अंदर क्या वेरिएशन है किसी के अंदर क्या वेरिएशन है उसमें से वो वाला ऑफस्प्रिंग जिसके पास जेनेटिक मेकअप बिल्कुल फिट है इस एनवायरनमेंट के साथ जो मुकाबला करने के लिए इसके अंदर सरवाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए वही चलेगा वही अपनी अगली नस्लें भी चलाएगा जबकि उससे जो दूसरा इसके कंपेयर कंपेरेटिवली जो दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसके पास ऐसा जेनेटिक मेकअप नहीं है कि वो या उसके अंदर इस तरह की वेरिएशंस मौजूद हैं कि वो इस एनवायरनमेंट के साथ कॉप ना कर सके तो उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा इसी तरह से हम ये जो तो सी वेरिएशंस प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर वेरिएशंस उसको दो सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं दिस वेरिएशंस आर आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल जो फेवरेबल वेरिएशन हो, होती हैं डियर स्टूडेंट्स दे आर सिलेक्टेड फॉर दे आर सिलेक्टेड फॉर ट्रांसमिशन इनटू नेक्स्ट जनरेशंस वो अगली नस्लों में मुंतकिल होने के लिए सिलेक्ट हो जाती है दे आर सिलेक्टेड फॉर इस पे वो रखना है जबकि अनफेवरेबल जो वेरिएशंस होती हैं दे आर सिलेक्टेड अगेंस्ट इसके लिए टर्म है सेलेक्टेड अगेंस्ट द ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट जनरेशन वो आगे मुंतकिल नहीं होंगी इसको आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ जो कि हमारी बुक में भी कोटेड है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैट विच पेज अपॉन द माउस एक बिल्ली है जो चूहे खाती है आपने देखा होगा टॉमन चेरी में बिल्ली वो चूहे के पीछे भाग रही होती है तो ये एक एक इनके अंदर इंट्रैक्शन है हमारे इकोसिस्टम के अंदर का जो बिल्ली है वो चूहे खाती है सो लेट सपोज देर इज अ कैट दिस इज अ कैट, इट प्रेस अपॉन ये प्रिडेटर है ये खाती है चूहे अब चूहे हैं यहां पर तीन तरह के एक है लाइट कलर्ड लाइट कलर्ड माइस एक है इसमें थोड़े से मीडियम कलर्ड माइस और एक कैटेगरी इसमें डार्क कलर माइस जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ड्रॉ की तो इसमें मैं पहली दफा इसको मेंशन कर देता हूं आगे चलकर देखते हैं सो दिस इज लाइट कलर ये जो ग्रीन कलर है इसमें मैंने ड्रॉ किया दिस इज लाइट कलर्ड माउस एंड दिस इज मीडियम कलर्ड This is medium कलर्ड mouse and this is dark कलर्ड ये dark कलर क्या है जैसे कि देख रहे थोड़ा सा dark है Dark कलर्ड mouse. अब जो कैट एडियर स्टूडेंट्स वो prey करती है वो शिकार करती है इनके ऊपर लाइट कलर्ड के जो चूहे उनको खाती है तो पहली जनरेशन में क्या होगा इन द फर्स्ट जनरेशन जो लाइट कलर के जो माइस हैं, दे आर ईटन अवे वो खाएंगे तो बाकी कौन से बच गए एक तो मीडियम कलर्ड और दूसरा डार्क कलर्ड अब क्या होगा कि जो मीडियम कलर्ड और डार्क कलर्ड ये अपनी नस्ल को कंटिन्यू कर सकते हैं यहां पर जो व्हाइट कलर यानी कि जो लाइट कलर के जो चूहे हैं ये हैं इनके अंदर जो वेरिएशन है दे आर टर्म्ड एज अनफेवरेबल दे आर सेलेक्टेड अगेंस्ट द ट्रांसमिशन ये चूंकि खाए गए तो अब ये आगे नस्ल चला नहीं सकेंगे अब अगले नस्ल में जो मीडियम कलर्ड के जो माउस uh, हैं वो फिर प्रोड्यूस करते हैं दो तरह के माउस एक उसमें है लाइट कलर्ड अगेन इसमें लाइट कलर्ड के भी आगे और इसमें मीडियम कलर के भी प्रोड्यूस किए दोनों तरह के प्रोड्यूस किए अब इस नस्ल के अंदर या इस जनरेशन के अंदर इसी तरह से डार्क ने डार्क कलर के प्रोड्यूस किए अब इस जनरेशन में क्या होगा कि जो कैट है वो इन दोनों को ही खा जाएगी लाइट कलर को भी और मीडियम कलर को भी तो अगले जनरेशन में ना तो लाइट कलर का होगा ना ही मीडियम कलर का होगा बल्कि सिर्फ क्या होगा डार्क कलर तो डार्क कलर जो है ये रिप्रोड्यूस करेगा चूंकि ये खाया नहीं गया इस वजह से अब जो डार्क कलर के हैं ये कहलाएंगे फेवरेबल इन्हीं इनके अंदर जो वेरिएशन आएंगे दीज आर फेवरेबल एंड दीज आर सेलेक्टेड फॉर द ट्रांसमिशन इनटू द नेक्स्ट जनरेशन और उससे जो अगली नस्ल आएगी उसमें सारे के सारे जो होंगे दे विल बी डार्क कलर्ड माउस तो इस तरह से जो ये वेरिएशन प्रोड्यूस हुई है एवोल्यूशन टेक्स प्लेस डिस्ट्रेंस ये क्लियरिफाई so हुआ आपको किस तरह से ट्रांसमिशन हुई है दोबारा से एक्सपेरिमेंट को समझा देता हूं देर इज अट ये प्रे करती है इन चूहों के ऊपर इसमें तीन डिफरेंट कैटेगरीज़ के चूहे हैं लाइट कलर्ड मीडियम कलर्ड एंड डार्क कलर्ड तो पहले वो क्या करती है उसका जो असल है वो है वो पसंद करती है लाइट कलर्ड को तो लाइट कलर के चूहे खा दिए तो अगली जनरेशन वो ख़त्म होगी नेक्स्ट जनरेशन में वो नज़र नहीं आएंगे बल्कि जो मीडियम और डार्क कलर के हैं वो अपनी नस्लें जारी रखेंगे वो रिप्रोड्यूस करते रहेंगे वो सर्वाइव कर जाएंगे अब नेक्स्ट जनरेशन में जो मीडियम कलर के जो माउस हैं वो वाइट कलर के भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और मीडियम कलर के भी प्रोड्यूस कर रहे हैं जबकि जो डार्क है इसने भी अपनी जनरेशन प्रोड्यूस की लेकिन अब की बार इस कैट ने इसको भी खा लिया लाइट कलर को भी और मीडियम कलर को भी मतलब ये यह यहाँ से रिमूव फिनिश अब सिर्फ क्या बच के डार्क कलर्ड माउस अब डार्क कलर्ड माउस जो है वो अपनी नस्लें जारी रखेंगे मीन्स कि यहाँ पर जो डार्क माउस हैं इसे कहेंगे र सेलेक्टेड फॉर इसके लिए टर्म क्या होगी ये कौन सी वेरिएशन है ये फेवरेबल वेरिएशन है इट इज सेलेक्टेड फॉर द ट्रांसमिशन टू इन टू द नेक्स्ट जनरेशन वाइल से ये दो माउस हैं दे आर सेलेक्टेड अगेंस्ट दे आर सेलेक्टेड अगेंस्ट तो सेलेक्टेड अगेंस्ट किसमें है दैट इज इन द अनफेवरेबल वेरिएशन सो जो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कुदरत किस तरह से सेलेक्ट करती है ख़ुद से आ, उन ऑर्गेनिज़म्स को जिनके पास फेवरेबल वेरिएशंस मौजूद हैं यानी कि दे आर सेलेक्टेड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जनरेशंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ़ करेक्टरिस्टिक्स सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसकी एक और एग्जाम्पल को कोट करेंगे और इसको मज़दीद मैकनिज़म को क्लैरफ़ाई करने की कोशिश करेंगे अंटल देन अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़